साथियों नमस्कार। योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आप सभी की लंबे समय के एक रिक्वेस्ट के बाद आज से हम लोग एक्यूप्रेशर पे एक सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे लिए खुशी का विषय है कि मैं आप सबको वैकल्पिक चिकित्सा के इस महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में आज से मैं आपके समक्ष चर्चा कर पाऊंगा। साथियों, भारत गांव में बसता है और गांव में बसने के कारण यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं कम होने के वजह से मैं चाहता हूँ कि वैकल्पिक चिकित्सा में विशेष तौर से एक्यूप्रेशर जन जन का एक अभियान बने, जन जन तक यह चिकित्सा पद्धति पहुंचे, ऐसी अपेक्षा है। साथियों, इसी कड़ी में यह सीरीज मैं अपने देश को, राष्ट्र को समर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि देशवासी और मेरे जितने भी सुधी जो दर्शक गण हैं सभी इसे लाभान्वित होंगे। और मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं आपको वचन देता हूं कि आपको एक ऐसा सीरीज जिसे देख करके आप एक्यूप्रेशर सीख पाएंगे, जान पाएंगे, केवल इसकी सिद्धांतिक पक्षों के नहीं, इनके सैद्धांतिक पक्षों का भी आप सही तरह से जानकारी और सटीक जानकारी आप सीख सकेंगे। मित्रों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक्यूप्रेशर के ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में चर्चा करूंगा जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा ही नहीं बल्कि आप उसे सीख करके अपना खुद, घर, परिवार और समाज के लिए आप उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। तो आइए हम लोग क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, आज की इस प्रथम कड़ी में हम लोग एक्यूप्रेशर के अर्थ और स्वरूप को समझते हैं कि है क्या एक्यूप्रेशर, है क्या, किसे कहते हैं एक्यूप्रेशर, इस सब्जेक्ट को जानें और जानने के पश्चात भी इसके बारे में क्या हम इसके अलग अलग अर्थ है और अलग अलग परिभाषाएं जो हमारे ऋषियों ने दी है, विद्वान जन ने दी है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके इतिहास के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम क्रमबद्ध इसमें चर्चा आपसे करते चलेंगे। तो आज हम लोग साथियों सबसे पहले शुरू करते हैं एक्यूप्रेशर क्या है, व्हाट इज द एक्यूप्रेशर। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे एक्यूप्रेशर अर्थ एवं परिभाषा, जाने कि एक्यूप्रेशर है क्या, इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं। एक्यूप्रेशर इज ए नेचुरल साइंस, एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक विज्ञान है। यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान कहने का मतलब, यहाँ पे हम जब चिकित्सा करते हैं तो किसी प्रकार के अननेचुरल, अप्राकृतिक कार्य संपन्न नहीं करते इसमें। जैसे हमारे शरीर को यदि हम एक प्राकृतिक रूप से एक जनरेटर मान ले जाए, तो जनरेटर को जिस तरह से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और वह कंटिन्यूस अपने आप जब तक ईंधन है तब तक वो कंटिन्यू में गतिशील होती है, वैसे ही परमात्मा ने जो हमें ईंधन दिया है और या जो ईंधन हम किसी रूप से लेते हैं, वे जब हमारे शरीर को गतिशील रख रहा है तब उसमें किसी और अन्य प्रकार के अवरोध या रुकावट ना दे करके, और जहाँ कहीं रुकावटें हो जाए, कहीं रुकावट आ जाए, तो केवल उस रुकावट को दूर करने के लिए प्रेशर दिया जाना चाहिए, ना कि उसे लॉन्ग लाइफ केवल दबाते रहें, शरीर का मसाज करते रहें, ऐसा नहीं है। तो प्राकृतिक का कहने का मतलब हमें नेचुरल तौर तरीके से हमें प्रयोग करना चाहिए, अर्थात एक्यूप्रेशर का जब हम प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल अर्थात जीवन शैली, रहन सहन, खान पान सभी को सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। एक्यूप्रेशर एंड एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। साथियों, ये हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति कहने का मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल परंपरागत दादा परदादा या उससे पहले भी लोगों ने जिस चिकित्सा पद्धति को अपनाया उसी चिकित्सा पद्धति का एक क्रम हमारे सामने है, हमारे समक्ष है। अब जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में एक्यू का अर्थ क्या है। यहाँ पे लोगों के अलग अलग मान्यता है, लोग विभिन्न प्रकार की अपनी सोच और अपने मानसिकता बना के रखे होते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे एक्यूप्रेशर कंपोजिट टू वर्ड, एक्यू प्लस प्रेशर, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है एक्यू और दूसरा है प्रेशर। यहाँ पे एक्यू का अर्थ साथियों सूक्ष्म बिंदु है,
सूक्ष्म बिंदु कहने का मतलब है छोटा सा स्थान। वे छोटा सा स्थान चाहे आपके हाथ के हथेली में भी हो सकता है, पैर के तलवे में भी, शरीर के किसी भी भाग में, वो कान में भी हो सकता है, आपके चेहरे के किसी पार्ट में हो सकता है, ये कहीं भी हो सूक्ष्म बिंदु। और प्रेशर का मतलब होता है अप्लाई फोर्स, दबाव देना, अर्थात शरीर के किसी निश्चित बिंदुओं पे सूक्ष्म बिंदुओं को दबाव देकर के जो उपचार करने की जो तरीका है उसे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। दूसरा साथी उसमें दिया गया है एक्यूपंचर। एक्यूपंचर में यहाँ पे इस वर्ड में एक्यू का मींस होता है नीडल, नीडल मतलब सुई, और पंचर मतलब होता है बेदना। अर्थात एक्यूपंचर के अर्थ में लिया जाए तो निडिल से शरीर के पर्टिकुलर एक सूक्ष्म विभाग को क्या है, बेदना, और बेद करके वहां के विकार को दूर करना। अच्छा इससे होता क्या है, इससे होता है मूव, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट। इससे हमारी जो बायो एनर्जी है, हमारे बायो बॉडी फ्लूड्स है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन होता है। एक्यूप्रेशर में ऊर्जा के संतुलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि इनके परिभाषाओं को देखें, विभिन्न प्रकार की परिभाषा हमारे विद्वत जनों ने दिया है। सबसे पहले श्री देवेंद्र बोरा जी के जो द्वारा प्रदत्त परिभाषा है उसके बारे में देखें कि एक्यूप्रेशर एक ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है जो हमारे शरीर की आंतरिक संरचना द्वारा वांछित भाग में आवश्यकता अनुसार प्राण ऊर्जा पहुंचाकर हमें रोगों को दूर करना सिखाता है। साथियों कहने का मतलब है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा यदि हम एक्यूप्रेशर का प्रयोग करें तो शरीर में जहां कहीं भी अगर ऊर्जा की आवश्यकता है तो वहां ऊर्जा को पहुंचाया जा सकता है और शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी के अनुसार, अग्रवाल जी चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता, जो भारत में प्रणेता है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। एक्यूप्रेशर वह विधा है जिसमें शरीर के किसी बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा का विनिमय किया जा सके। साथियों विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। शरीर में कहीं भी ऊर्जा का असंतुलन है तो ऊर्जा के असंतुलन को संतुलित किया जा सके। कैसे संतुलित किया जा सकते हैं इसका टेक्निक हमें देखना होता है, हम इस ऊर्जा को संतुलित करने का सही तौर तरीका सीख सके, क्योंकि शरीर में रोग का कारण ही तो ऊर्जा का असंतुलन है। ऊर्जा के असंतुलित होने से शरीर में रोग होता है, तो हमें चाहिए कि हम ऊर्जा को संतुलित करें, बैलेंस करें, और इस बैलेंस करने का जो तौर तरीका है वो हम एक्यूप्रेशर से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। महर्षि चरक के अनुसार, महर्षि चरक शारीरिक एवं मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, मांसपेशियों को सशक्त बनाने तथा संपूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क तथा चित्त को शांत रखने के लिए मर्म बिंदुओं पर हल्की गहरी दबाव दी जा सकती है, इस प्रकार की बात कही गई है। कुल मिलाकर के इसको देखने से ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्या है, मसाज या मालिश की बात जो कि आयुर्वेद में महत्वपूर्ण, जिसमें जिसे कहा गया है आपका मसाज की तौर तरीका जो आयुर्वेद में दिया गया है, तो आयुर्वेद में जो शरीर में अभ्यंग, मसाज को आयुर्वेद में कहा गया है अभ्यंग, शरीर को विशेष भावों को दबाव देकर वहां के रोगों को रक्त संचार के माध्यम से मांसपेशियों को सशक्त बना करके शरीर के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों को और जहां तक चित्त को भी शांत करने के लिए इन्हीं मर्म बिंदु पर दबाव की बात कही। मित्रों चरक संहिता में जो एक्यूप्रेशर की जहां चर्चा है वो कहीं ना कहीं हमें मर्म बिंदुओं के रूप में है, और इसका विकसित स्वरूप जो अलग अलग जगह, जब अलग देशों में गए तो अलग देशों में इसी का अलग अलग नामों से हमारे सामने पूर से फिर से एक बेकअप आया, जिसको हम लोग एक्यूप्रेशर व कई और नामों से हम लोग जान रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने वांग्मय प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में कहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जीवनी शक्ति जो है एक विशेष अदृश्य रेखाओं से आती है, जिसका संबंध संपूर्ण शरीर से है। उन बिंदुओं पर सुई का स्पर्श अर्थात एक्यूपंचर के द्वारा या थोड़ा सा दबाव देकर अर्थात एक्यूप्रेशर से दर्द या रोग को तुरंत समाप्त हो जाता है। जटिल शल्य चिकित्सा से उत्पन्न जो दर्द है इसको भी इसे ठीक किया जा सकता है।
कहने का तात्पर्य है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के द्वारा हम लोग शरीर की एक अदृश्य रेखा अर्थात नाड़ियों में या फिर हमारे अगर एक्यूप्रेशर की बात करें तो मेरिडियंस के माध्यम से उन मेरिडियंस के विशेष बिंदुओं को दबा देकर एक्यूपंचर करके हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। एम बी खेमका जी के अनुसार, माता प्रसाद जी खेमका प्रयागराज एक्यूप्रेशर शोध संस्थान के संस्थापक हैं। इन्होंने जो एक्यूप्रेशर की परिभाषा दी वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात कही कि रक्त शरीर के रक्त बॉडी फ्लूड्स के स्थानांतरण की विधा को एक्यूप्रेशर कहते हैं, ब्लड व बॉडी फ्लूड्स। साथियों हम कहीं भी दबाव देते हैं निश्चित तौर से उसमें ब्लड और बॉडी फ्लूड दोनों ही क्या है उसमें इंक्लूड होता है और उसी के माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। दूसरा नंबर जो परिभाषा है, शरीर के किसी निश्चित बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा की रुकावट को नियमित करना है। नियमित करना मतलब कंटिन्यूटी में लाना है उसको, कहीं भी रुक गया है तो रुकने ना पाए क्योंकि जहां पे रुकावट है वही रोग का कारक है। और नंबर तीसरा, ऊर्जा को संतुलित कर शरीर को ठीक करने की विधा को एक्यूप्रेशर कहा गया है। ऊर्जा का संतुलन का विज्ञान है एक्यूप्रेशर। सार संक्षेप में कहा जाए तो शरीर में जो ऊर्जा है, अगर ऊर्जा असंतुलित हो जाता है या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तभी शरीर में रोग आता है। तो अंतिम निष्कर्ष यह है कि एक्यूप्रेशर संतुलन का विज्ञान है, प्राण के संतुलन का, चेतना के संतुलन के विज्ञान को ही हम एक्यूप्रेशर कह सकते हैं। साथियों टाइप्स ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर के प्रकार, यदि एक्यूप्रेशर को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये 150 एबव है अर्थात 150 से भी ज्यादा प्रकार है। किंतु साथियों जो हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं मुख्य तौर से ये 6 प्रकार हमारे सामने हैं। पहला सुजोग चिकित्सा है, दूसरा रिफ्लेक्सोलॉजी, जोनोलॉजी, मेरिडनोलॉजी जिसे एक्यूपंचर कहते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो एक्यूपंचर है। इसको एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सुजोग है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम अलग से पार्ट स्टेप बाय स्टेप जो सीरीज है उस सीरीज में हम दिखाएंगे। अभी एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं। सुजोग चिकित्सा, ये प्रोफेसर पार्क जे ऊ साउथ कोरिया के रहने वाले थे, इन्होंने इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। मित्रों आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित ये चिकित्सा पद्धति वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। साइंटिफिकली इसको आप उपचार में इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। लंबे अरसे से लगभग 20 वर्षों के उपचार के पश्चात मैं आपके सामने ये सीरीज रख रहा हूँ। साथियों ये कमाल की चिकित्सा पद्धति है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं हम लोग सुजोग चिकित्सा। सु मीन्स हाथ की हथेली और जोग मीन्स पैर का तलवा। हाथ की हथेली और पैर के तलवे में उपचार दिया जाता है, उपचारित किया जाता है, इसलिए इसको सुजोग कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सोलॉजी, इसको प्रतिबिंब चिकित्सा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है लेकिन भारतवर्ष में इसको केवल एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। क्योंकि साथियों ये एक्यूप्रेशर का एक प्रकार है जिसको प्रतिबिंब चिकित्सा कहते हैं और इसके द्वारा भी उपचार हम लोग करते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग लंबे समय से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। नंबर तीसरा है जोनोलॉजी, ये जापान की चिकित्सा पद्धति, इसी को सियासु भी कहा जाता है। शरीर को 10 भागों में विभक्त किया जाता है, अलग अलग खंडों में भाग करके इसका उपचार दिया जाता है। चौथा है मेरिडियनोलॉजी या एक्यूपंचर कहते हैं। तो एक्यूपंचर ये चाइनीज एक्यूपंचर है जो विशेष तौर से भारत से जो मर्म चिकित्सा है जो चाइना में गया, तो चाइना में वहां पे जो इस पर रोज शोध और रिसर्च हुआ तो शोध और अनुसंधान के पश्चात उन्होंने इस मर्म बिंदुओं को विकसित किया और उसका नाम दिया एक्यूपंचर। मित्रों लंबे अरसे का एक शोध अनुसंधान के पश्चात एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिसको हम लोग मेरिडियन, ये मेरिडियंस होते हैं इसमें जो आपके लंबे महत्वपूर्ण जो आगे 6 और पीछे 6 था, इनमें 6 मेरिडियन और यांग में 6 मेरिडियन करके ये 12 मेरिडियंस है हमारे शरीर में और इन मेरिडियन पर उपचार देकर हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, साथियों अभी तक के जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उसमें सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण यदि कहा जा सकता है तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। इसकी डायग्नोसिस की तरीका और इसमें उपचार देने की सटीक पद्धति कमाल का है।
कहा जा सकता है इसको हम लोग जो सुजुक चिकित्सा है इसका एडवांस वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन है। इसमें आगे हम इसमें बहुत सारे उपचार दे सकते हैं। और इसमें जो 10 एलिमेंट्स की बात की गई ये अपने आप में यूनिक है। अभी तक हम लोग केवल 5 तत्वों के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा चिकित्सा पद्धति जिसमें 10 तत्वों के बारे में बात करते हैं, जिसमें अकाल, दिशा, मन, आत्मा और तम अर्थात जीरो, ये 5 मेटाफिजिकल के बारे में भी बात करते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण में इन 5 तत्वों की भूमिकाओं के बारे में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में विशेष चर्चा की गई है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके बारे में एक एक कड़ी में हम आगे और चर्चा करेंगे, जिसे आप ध्यान से इसे देखते रहेंगे अलग अलग सीरीज में, और उस सीरीज के माध्यम से आपको हम बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे समाज के लिए। और आप लोग की जिज्ञासा जो कुछ भी हो, तो आप अपने जो चीज़ जानना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो लिखेंगे आप मैं उसी के अकॉर्डिंग अगला सीरीज अगला कड़ी पार्ट जो है बनाता चला जाऊंगा। और आपको लगता है कि रोग के अनुसार होना चाहिए तो भी आप हमारे इस प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, और ताकि मैं आपके सुझाव के अनुसार मैं अगला जो पार्ट है उसे बनाता रहूँ। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।